हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जावेद राज एडवोकेट। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वेब बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आज हम बात करने वाले हैं धूम्रपान। धूम्रपान जो बहुत ही लोगों के लिए नुकसानदायक है, वह खुद करने वालों व दूसरों को भी यह बहुत नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान करने वालों के ख़िलाफ़ आईपीसी की किस धारा के तहत एफआईआर दर्ज होगी? अक्सर हम लोग जब बस या ट्रेन वगैरह में सफ़र करते हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति बीड़ी सिगरेट पीता नज़र आ जाता है और हम लोग उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ऐसा करने से आप भी अपराध को बढ़ावा देते हैं। आओ आज से हम सब दूरदर्शिता एवं सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूकता का उत्कृष्ट उदाहरण दें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई व्यक्ति हवा को प्रदूषित करता है वह भी दंडनीय अपराध है। इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी 1860 की धारा 278 में इस अपराध को करने वाला व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत दोषी पाया जाएगा। यदि वायुमंडल को प्रदूषित किया जाए, वायुमंडल या हवा को इस प्रकार प्रदूषित किया जाए जो जन साधारण के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, सार्वजनिक स्थान जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, दुकानों, पार्कों, सिनेमाघर, बस स्टॉप तथा रेलवे स्टेशन पर धूम्रपान करना दंडनीय अपराध माना जाता है। यह अपराध असंज्ञेय व जमानतीय होते हैं। इसकी सज़ा ₹500 के जुर्माना से दंड देने की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी धूम्रपान के कारण जन स्वास्थ्य की होने वाली गंभीर हानि को दृष्टिगत रखते हुए मुरलीदेव बनाम भारत संघ के वाद में कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर पूर्ण रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि तंबाकू के कारण व धूम्रपान के कारण उत्पन्न होने वाला रोग जिससे लोग बीमार होते हैं, रोगों के कारण प्रतिदिन लगभग 3 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो रही है, जो वास्तव में गंभीर है और लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा रही है, जिससे हमारा वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है। आओ हम सब मुहिम में सरकार का साथ दें और धूम्रपान करने वालों को रोके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर जरूर करें।